कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सेल्फ डिफेंस और स्टोरी टेलिंग जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज। एडमिशन ओपन एट प्रेसिडेंसी स्कूल, जयपुर रोड, गीगल, अजमेर। सर, आज हमने वार्ड नंबर 49 सामुदायिक भवन जो अवैध रूप से कब्जा करके एक महिला बेटी है और सामुदायिक भवन और लोअर बस्ती जो सन 1971-73 से इनको अलॉट की गई 35 क्वार्टर प्लस एक सामुदायिक भवन अलॉट किया गया। इनके पास कुछ 8 साल पूर्व में एक महिला आई थी जिन्होंने इनको मजबूरी देख के इन्होंने कुछ टाइम के लिए उनको रहने के लिए दिया था कि आप मजबूरी है, चलो बहन आप एक दो महीने रह जाओ। आज 8 साल से अवैध रूप का कब्जा हो रखा है वहाँ पर, प्लस कुछ ही अभी कुछ कितने दिन हो गए इसको, महीने डेढ़ महीने पहले, अभी महीने भर पहले भी लगाया। एक मिनट, अरुण जैन जी ने इसको सीज करा था, उसको इस महिला को कब्जा मुक्त करा के उसको एडीए जो सामुदायिक भवन है उस पर ताले लगा दिए गए थे, सीज कर दिए गए थे कुछ राजनीतिक पार्टी के द्वारा, जो कि अभी परसों ही नगर निगम में जाके अवैध कब्जे बता रही है कि अवैध कब्जे मुक्त हो, अवैध निर्माण को कार्रवाई करी गई, वही पार्टी वहाँ जाके उस महिला को वापस शरण दिलाई। अगर उस पार्टी को इतना दुख था तो अपने निजी स्थान में ले जाती, वो सरकारी भवन है। अगर सरकारी भवन पर कोई आम आदमी अगर कब्जा करने लग जाएगा तो भाई साहब जाएंगे कहाँ? ये गाड़ियाँ लुआर हैं जिनके मात्र 35 क्वार्टर है, इनके रहने की जगह नहीं है, आज इनके आए दिन प्रोग्राम होते हैं, ना ये कोई सक्षम परिवार से है, तो ये कहाँ पर जाएंगे? सामुदायिक भवन को अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जब तक ये कब्जा मुक्त नहीं होगा जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनके साथ खड़ी है और यहाँ निश्चित काल धरना है। अगर आज की तारीख में कब्जा मुक्त नहीं होता है तो कल यहाँ उग्र आंदोलन भी हो सकता है, उग्र प्रदर्शन हो सकता है, उसके पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी एडीए अरुण जैन एवं प्रशासन की रहेगी। अगर कुछ भी घटना होती है तो इसकी पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वार्ड नंबर 49 लोहार बस्ती, अलवर गेट, गाड़िया लोहार बस्ती। ज्ञापन नहीं देना है, हम धरना देना है, हम ज्ञापन क्यों दे? ज्ञापन दे दिए, तक कितने का ज्ञापन दे? अब ज्ञापन से काम नहीं होता है, ज्ञापन से नहीं होगा। इन्होंने 50-60 ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन से अगर काम होता ना, कार्य होता ना, तो कब का हो जाता? वो कहते हैं ना, जब गिया सीधी अंगली से निकले टेढ़ी कर लो, तो आज हम टेढ़ी करने आए यहाँ पर। आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अजमेर शहर अध्यक्ष। ये कलेक्ट्री के बाहर धरना दिया और अनिश्चित काल धरना आई है। आज यहाँ 50 की संख्या है, कल 100 रहेगी। और कल से एक और बात, अगर आज की तारीख में नहीं हुआ तो कल यहाँ जितने भी महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब बैठे हैं, अन्न और जल त्याग करके बैठेंगे। अगर इनमें से किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो इसकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मैं स्वयं अनिश्चित काल पर कल से अनशन एवं जल त्याग करूंगा जब तक ये